तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है इलास्टिसिटी से. व्हेन अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम इज सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग वायर ऑफ लेंथ कैपिटल एल, द लेंथ ऑफ द वायर बिकम्स एल प्लस स्मॉल एल. द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द एक्सटेंडेड वायर इज. तो भाई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती कितनी है? वो हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन जो होता है, वो हाफ स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन, ये होती है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम. तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई एनर्जी हो जाएगी हाफ स्ट्रेस हो गया एम कैपिटल एम जी अपॉन एरिया, और स्ट्रेन हो गया स्मॉल एल अपॉन जो ओरिजिनल लेंथ थी कैपिटल एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. ये है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. वॉल्यूम कितना होता है? एरिया इंटू एल. ठीक है, तो अब यहाँ पे एल से एल कट गया, एरिया से एरिया कट गया, और एनर्जी की वैल्यू आ गई एम सॉरी कैपिटल एम इंटू जी इंटू एल बाय टू. तो इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी ये एल छोटा वाला है, स्मॉल एल बाय टू, तो आंसर हो जाएगा वन. तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है रोटेशन के ऊपर. इसके अंदर ये पूछा गया है कि एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका मास दिया है, उसका रेडियस दे रखा है, मतलब बेसिकली उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का सारा सामान दे रखा है. इनिशियल ओमेगा दे रखी है, ध्यान से देखो वो आरपीएम में दे रखी है. आरपीएम का मतलब हो गया रेवोल्यूशंस पर मिनट. ठीक है, तो ये अपने ऐसा ही यूनिट्स में नहीं है तो ध्यान रखेंगे इस बात का. और उसको रोकना है ताकि वो 2π रेवोल्यूशन घूमने के बाद, 2π रेडियन नहीं है, ध्यान से देखना, 2π रेवोल्यूशन घूमने के बाद वो रुक जाए. तो उसके लिए कितनी टॉर्क की रिक्वायरमेंट है ये पूछा गया. सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि उस सिलेंडर की ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं. तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है? वो होता है एम आर स्क्वायर बाय टू. मास दे रखा है 2 kg, रेडियस दे रखा है 0.04, क्योंकि 4 cm था तो ये 0.04 का स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कट गया और ये आ गया 16 × 10⁻⁴ kgm². ये तो आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया. फिर मैं पता कर लेता हूँ भाई, क्योंकि मुझे निकालनी है क्या टॉर्क. टॉर्क क्या होता है? आई अल्फा. आई तो पता चल गया, कोई अल्फा बता दे तो टॉर्क निकल जाएगी. अल्फा कैसे निकलेगी? उसमें हम लगाते हैं ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2α θ. ठीक है, फाइनल ओमेगा कितनी है? 0, क्योंकि रुक गया जाके. इनिशियल ओमेगा कितनी थी? वो थी ओमेगा नॉट. ओमेगा नॉट है 3 rpm, यानी कि 3 × 2π. इतने तो रिवोल्यूशन हुए पर 60 seconds. ये रेडियंस पर सेकेंड है. 3 × 2π 3 revolutions, यानी कि 3 × 2π रेडियंस पर 60 seconds. इसका लगाएं करेंगे स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × α निकालना है और थीटा दिया है 2π revolutions. 2π revolution का मतलब हो गया 2π × 2π. ठीक है, 2π revolution मल्टीप्लाई बाय 2π किया तो इतने रेडियन बन गए. ठीक है, अब ये 2π × 2π तो इस 2π से कट गया. ध्यान से देखते जाओ फटाफट, अल्फा की वैल्यू देखनी है अपने को. तो ये हो गया तुम्हारा 20 या नीचे आ गया. ठीक है, और तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई? तो अल्फा की वैल्यू आ गई 20 का स्क्वायर 1/2 × 20² यानी कि 1/800. हाँ, 1/800 आ गया ये. 20² = 400, 400 × 2 = 800. ये आ गई बात अल्फा की. वैसे तो ये नेगेटिव साइन के साथ आया है, पर नेगेटिव साइन सिर्फ ये बता रहा है कि टॉर्क ब्रेक लगाने के लिए लग रही थी, अल्फा उल्टे डायरेक्शन में था. ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं अपन. अल्फा की वैल्यू यही आ रही है ना, अल्फा की वैल्यू आ रही है -800. तो अब मुझे निकालना है टॉर्क. तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? वो होगी माइनस साइन को भूल जाते हैं, वो से डायरेक्शन बता रहा है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है आपको 16 × 10⁻⁴ और अल्फा दे रखा है 1/800. तो 8 से 8 कटा गया तो 2 आ गया और ये बन गया 2 × 10⁻⁶ Nm. तो टॉर्क आई 2 × 10⁻⁶. तो आंसर है 3. अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक से. यहां पे लिखा है 2 पॉइंट चार्जेस हैं ए और बी, उनके बीच के तो एक चार्ज क्यू था और एक चार्ज माइनस क्यू था. जब ये दोनों कुछ चार्जेस थे कुछ डिस्टेंस पे रखे थे तो उनके बीच की जो इंट्रैक्टिव फोर्स थी वो एफ थी. फिर क्या हुआ, एक का 25% चार्ज निकाल के दूसरे में डाल दिया. एक पॉजिटिव था दूसरा नेगेटिव था, ध्यान रखना. एक का 25% चार्ज निकाल के दूसरे में डाल दिया और फिर अब पूछ रहे हैं कि नई वाली, और डिस्टेंसेस पोजीशंस वही हैं, पूछा जा रहा है कि अब नई वाली फोर्स और इंट्रैक्शन दोनों के बीच में कितनी होगी. तो देखिए भाई, एक यहाँ पे चार्ज था क्यू
और एक यहाँ पे चार्ज था माइनस क्यू, और दोनों के बीच की डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ थोड़ी सी देर के लिए डी। तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है आपको एफ, ये वाली, ठीक है। अब फिर क्या किया कि यहाँ से कुछ चार्ज लिया है, इसमें डाल दिया, ठीक है, डिस्टेंस अभी भी डी है। अब इसमें से 25% चार्ज ले लिया, इसका मतलब इसका चार्ज तो 0.75 Q हो गया, मतलब 0.25 Q निकाल दिया, तो ये 0.75 Q रह गया। अब वो प्लस 0.25 इस माइनस 0.Q में डाल दिया, सॉरी माइनस क्यू में, तो माइनस क्यू प्लस 0.25 Q, ये क्या बन गया, ये बन गया माइनस 0.75 Q, ठीक है। और अगर ये अब ये वाली बात समझने की है, किया क्या है, पहले का 25% चार्ज निकाला और दूसरे में डाल दिया, अगर दोनों पॉजिटिव होते तो इसमें से पॉइंट ये 0.75 हो जाता, वो 1.25 हो जाता, लेकिन ये पॉजिटिव था वो नेगेटिव था, पॉजिटिव में से 0.25 Q हटाया, तो Q में से अगर 0.25 Q हटाओगे तो 0.75 Q रह जाएगा, और माइनस क्यू में अगर आप वो प्लस 0.25 Q डाल दोगे तो वो माइनस 0.75 Q रह जाएगा, ठीक है। तो अब जो फोर्स हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी के इंटू 0.75 इंटू क्यू होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, और ये वाली नई वाली फोर्स एफ वन निकालनी है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर ही तो एफ है, तो यानी कि एफ वन की वैल्यू क्या हो गई, 3/4.75 जो है वो 3/4 होता है का होल स्क्वायर इंटू एफ, यानी कि 9/16 F, तो 9/16 F कौन सा आ रहा है, ऑप्शन ए, तो यही आंसर। तो भाई अगला क्वेश्चन आता है एक और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिक्स का, भाई इंद्रधनुष कैसे बनता है, रेनबो कैसे बनता है। तो रेनबो जब बनता है तो सामने यहाँ पर अगर इस तरीके से पानी की बूंदें होती हैं, पीछे तो सूरज की रोशनी आती है, वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में घुसती है, ठीक है। मतलब अगर ये अगर पानी की बूंद है तो लाइट यहाँ से आती है, सूरज की रोशनी यहाँ से कहीं से आती है, वो यहाँ पर टकराती है, फिर यहाँ से बाहर निकलती है, ठीक है। डायग्राम बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट सही नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है इसके अंदर। अब अगर आप यहाँ खड़े हो तो सूरज आपके पीछे होना चाहिए या आगे होना चाहिए, अगर आप यहाँ खड़े हो और ऐसे देख रहे हो और यहाँ ऊपर की तरफ देख रहे हो तो सूरज पीछे होना चाहिए आगे होना चाहिए, सूरज पीछे होना चाहिए तभी तो लाइट पीछे से आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहला ही ऑप्शन जो है, एन ऑब्जर्वर कैन सी अ रेनबो व्हेन हिज फ्रंट इज टुवर्ड्स द सन, तो नहीं, ही इज नॉट फेसिंग द सन, ठीक है, हिज बैकवर्ड्स बैक साइड शुड बी टुवर्ड्स द सन, ठीक है। तो इसीलिए यही वाला रॉन्ग, क्योंकि ध्यान से देखना इसमें रॉन्ग आंसर चुनने थे, तो इसलिए यही वाला हो गया रॉन्ग आंसर, बाकी सभी सही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार यहाँ पर आ रहा है थर्मल एक्सपेंशन से। सो द क्वेश्चन इज कि एक कॉपर रॉड है और एक एल्यूमिनियम रॉड है, वो उन दोनों की दे हैव देयर इंक्रीज इन लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। मतलब दोनों रॉड्स एक के साथ एक ऐसे जुड़ी हुई हैं, और एक कॉपर की है और एक एल्यूमिनियम की है, ठीक है। इसका जो कोफिशिएंट लीनियर कोफिशिएंट एक्सपेंशन है वो अल्फा सी है, और इसका कोफिशिएंट एक्सपेंशन अल्फा एल्यूमिनियम है, अल्फा ए है। तो मैं कह सकता हूँ वो ये कह रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जो टोटल लेंथ है वो चेंज नहीं हो रही है। तो अगर दोनों की जो लेंथ है अगर वो चेंज नहीं हो रही है, इस बात का मतलब ये हो गया कि जो टोटल लेंथ है वो कितनी होगी, टोटल लेंथ की मैं बात कर सकता हूँ, वो हो जाएगी नए टेम्परेचर पे लेंथ ऑफ कॉपर इंटू 1 प्लस अल्फा कॉपर डेल्टा टी प्लस लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम इंटू 1 प्लस अल्फा एल्यूमिनियम डेल्टा टी, ठीक है। अब अगर ये चीज़ टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है तो मैं थोड़ा उसको और अच्छे से लिखूँ, तो ये हो जाएगा एल सी प्लस एल ए प्लस एल सी अल्फा सी प्लस एल ए अल्फा ए इंटू डेल्टा टी, ठीक है। अब अगर ये चीज़ टेम्परेचर चेंज से इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब ये वाला जो टर्म है डेल्टा टी का कोफिशियंट वो जीरो आना चाहिए, तो इसका मतलब एल सी अल्फा सी शुड बी इक्वल टू एल ए अल्फा ए। एल सी कितना दे रखा है, एल सी दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर्स, अल्फा सी दिया हुआ है 1.7 × 10⁻⁵, एल ए निकालना है और अल्फा ए दे रखा है 2.2 × 10⁵, ठीक है। तो जैसे ही आपने इन दोनों को इक्वेट किया, वैसे यहाँ पे एक्चुअली माइनस साइन और आएगा, पर सिर्फ लेंथ का पार्ट है इसलिए मैं माइनस साइन इग्नोर कर रहा हूँ,
ये दोनों को कैंसिल किया और जब आपने एल ए निकाला तो एल ए की वैल्यू आ गई 68 सेंटीमीटर्स, और इसलिए आपका आंसर हो गया आंसर नंबर 2।